फ्रेंड्स कैसे हैं सब। हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब। तो अभी जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसमें उदयपुर संभाग की सबसे सुंदर बावड़ी के बारे में आपको बताऊंगा। मैं इसको सुंदर बाव के नाम से जाना जाता है और मैं उदयपुर में इतने साल तक रहा हूं बट कभी मेरे को मौका नहीं मिला या मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी बाव भी है जो कि यूनिवर्सिटी के वहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये एक मेरे मित्र हैं जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने ये शेयर किया था। तो मुझे लगा यार ये मेरे से कैसे रह गई, तो मैंने पूछा इनसे कि उदयपुर में ये कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया कि ये तो सुंदरवास में है यूनिवर्सिटी के मध्य। तो इसका नाम सुंदर बाव है इसीलिए उस एरिया का नाम भी सुंदरवास पड़ गया। और जैसा कि आपको बताऊँ ये आज से 360 साल पुरानी है और इसका निर्माण जो था वो राजा महाराणा राज सिंह के टाइम हुआ था। तो इसकी एक खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं, दर्जनों मूर्तियां हैं और उस मूर्ति के नीचे जिस कलाकार ने वो मूर्ति बनाई है उसका नाम लिखा हुआ है। जो उदयपुर के लोग हैं आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो जो उदयपुर के लोग हैं वो ज़रूर जाएँ वहाँ पर देखने के लिए ये वीडियो देखने के बाद में। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो वीडियो ये बाहर के लोग देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि जब भी उदयपुर आएँ तो इस जगह को ज़रूर देखें। बहुत ही सुंदर है कलात्मक दृष्टि से भी। वैसे इस बाव को मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, मैं काफ़ी लोगों से पहुँच के पूछते पूछते वहाँ पे पहुँचा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे है वो। तो लेके चलते हैं, चलिए फिर आपको लेके चलता हूँ सुंदर बाव। और अगर आपको अच्छे लगे ये सुंदर बाव और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, थैंक यू। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ये एक बावड़ी देखने के लिए, शायद यही है वो बावड़ी जो मैंने फ़ोटो में देखी थी, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये ना हो। तो आज हम दोनों आए हैं साथ में ये बावड़ी देखने के लिए। ये है बावड़ी, तो इधर से रास्ता है मुझे लगा। इधर से नहीं, उधर से जाना पड़ेगा। इसका नाम है सुंदर बावड़ी और ये सुंदेश्वर महादेव। ये लग रहा है कि बावड़ी यही है जो मैंने फोटो देखी थी उसकी बावड़ी, मुझे तो यही लग रही है। बट इसका रास्ता कहाँ से? ये है देखिए, बहुत ही प्राचीन बावड़ी ये है। ध्यान से आना, गिर मत जाना। मंदिर बावड़ी है, बहुत ही सुंदर बावड़ी। ये देखिए कितनी सुंदर बावड़ी है। और नीचे चलते हैं थोड़ा, नहीं पहले ऊपर से चलते हैं। क्या देखें, नेचुरल ब्यूटी, अपने आप ही सजावट हुई हुई है। मेरे को तैरना नहीं आता इसे। तुम वहीं रुको। नहीं। अरे वहीं रुको, बोला ना। Thank you.
ये यहाँ पे कुआं टाइप है, देखिए आप सुंदर है ना। तो ये इसको सुंदर बावड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे काफी कुछ मूर्तियां हैं, ध्यान से आना है। बस 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 ही है तो इतना क्या गिर थोड़ी काम। ये देखिए बहुत ही सुंदर बावड़ी। चला करते हैं, देखिए कितने देवताओं के यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मूर्तियाँ उकेरी हुई है, देखिए आप। कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बावड़ी बनी हुई होगी यहाँ पे। तो ये सुंदर बावड़ी है और शायद 300 साढ़े 300 साल पुरानी बावड़ी है ये।